वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है। ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगेगी तो ही अप्लाई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, लेकिन आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए डिजाइन बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड देखिए, डिजाइन पैटर्न के लिए हमने टोटल 24 फंदे लिए हुए हैं, ठीक ना। 2 साइड के ऐड स्टिच हैं और 9 के मल्टीपल ये डिजाइन पैटर्न के फंदे हैं, ठीक ना। और 4 यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा फंदे लिए हैं। तो ये टोटल ये 24 फंदे हैं। ये डिजाइन पैटर्न राइट साइड से स्टार्ट होगा और ये ट्रो की डिजाइन है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट फंदा है, हम तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करते हैं, आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद उनके धागे को अपनी साइड कीजिएगा, 4 फंदा सीधा, सॉरी उल्टा। देखिए 1 साइड का एड स्टिच है, ये 4 फंदा हमने उल्टा बुना है और 5 फंदा सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए साइड का एड स्टिच है, ये 4 फंदा हमने उल्टा बुना है और 5 फंदे हमने सीधा बुना है। तो ये 9 के मल्टीपल जितने भी फंदे हैं फर्स्ट रो में आपको इसी तरह रिपीट करने हैं, ठीक ना। देखिए अब उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, 4 फंदे उल्टा, ठीक ना। उनके धागे को पीछे की साइड ले जाएंगे, 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे ये 5 फंदे बचे हैं, ठीक ना। तो 1, 2, 3, 4, 4 फंदे हमें उल्टा बुन लेना है। और इसके बाद है ये साइड का एड स्टिच है, तो इसे सीधा बुनेंगे क्योंकि ये हमारा राइट साइड है, फर्स्ट रो है। अब देखिए ये सेकेंड रो, ठीक ना। सेकेंड रो में भी देखिए आपको कैसे करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ये जो 4 फंदे हमने उल्टे बुने थे ना, इसे रॉन्ग साइड में ऐसे सीधे बुनना है। 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे उल्टा बुन लेना है ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए ये यही 9 का मल्टीपल है, इसे अब हम रिपीट करेंगे, 4 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये उल्टी साइड है तो यहाँ इसे हम उल्टा बुनेंगे, साइड का एड स्टिच है, ठीक ना। अब देखिए 2 रो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं थर्ड रो में। थर्ड रो को ध्यान से देखिए, पूरी रो को आपको ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है, ठीक ना। इधर आप जो है थर्ड रो को ऐसे पूरा ऐसे सीधा बुनते हुए ऐसे पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया राइट साइड। अब देखिए ये 4 रो है रॉन्ग साइड, ठीक ना। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 4 फंदा
सीधा, 1 2 3 4, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, अब देखिए, सॉरी 5 फंदा उल्टा था और ये 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, 1 फंदा उल्टा, साइड का एड स्टिच है, ठीक। अब देखिए आ गए 5th रो राइट साइड, ठीक ना। अब राइट साइड आपको 5th रो में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट रो स्लिप, फर्स्ट फंदा स्लिप करना है और पूरी रो को इस तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, सभी फंदे ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है, इस तरह कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया राइट साइड, अब 6th रो रॉन्ग साइड, ठीक। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 6th रो है, अब ये 4 फंदे सीधा बुनेंगे, और 5 फंदे देखिए हमें बुनना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1 फंदा हम बुन लेते हैं ना, तो इसके बाद जो है ये जाली एक डालेंगे, ठीक है। 4 जालियाँ हमें डालनी है, तो देखिए एक फंदा उल्टा बुने हैं, एक जाली डाले हैं, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर देखिए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये तीसरी जाली डालेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये चौथी जाली डालेंगे, और देखिए 5वां फंदा हम बुन लेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये 1 साइड का एड स्टिच, 4 फंदे हमने सीधा बुना है, और देखिए 1 फंदा बुना है फिर जाली, फिर 1 फंदा बुना है फिर जाली, फिर 1 फंदा बुना है जाली, 1 फंदा बुना है जाली, 1 फंदा बुना है, ठीक। अब इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनना है ऐसे, 1 2 3 4, ठीक। अब जो ये 5 फंदे हैं तो उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर 4 जाली डाली है ना, ऐसे यहाँ पर भी हमें 4 जाली डालना है, तो देखिए 1 फंदा बुनेंगे और 1 जाली डालेंगे, सेकंड फंदा बुनेंगे, सेकंड जाली डालेंगे, थर्ड फंदा बुनेंगे, थर्ड जाली डालेंगे, 4 फंदा बुनेंगे, 4 जाली डालेंगे, और ये 5 फंदा बुन लेंगे, ठीक। इसके बाद 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 1 फंदा उल्टा साइड का स्टिच, तो ये 6th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये 7th रो है डिजाइन पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टा बुने, सॉरी 4 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से डिजाइन पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, ये 1 फंदा पहले छोड़ेंगे, फिर ये जो जाली वाला फंदा है ना, ये पीछे साइड से ऐसे जाली वाला फंदा बुनेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसे स्लिप करेंगे, ठीक, ये जो फंदा है ना इसे हम ऐसे स्लाइप ले लेंगे, तो जो ये वाला फंदा है इसके ऊपर ऐसे स्लिप कर देंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ये जाली वाला फंदा पीछे की साइड से बुनेंगे, ठीक, और जो जब इसे स्लिप करेंगे ना, तो ये जो फंदा है जाली के फंदे को छोड़ देंगे और ये फंदा उठा लेंगे, और फिर ये सेकंड फंदा इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे, जाली वाला फंदा बुनेंगे, ठीक, और ऐसे स्लिप कर देंगे, तो ये वाला फंदा उठा लेंगे, इसके ऊपर से ये फंदा स्लिप कर देंगे। देखिए हमने ये 3 फंदा बुना है, देखिए ये जाली वाला फंदा बुनेंगे और इसे स्लिप करेंगे और फंदे को उठा लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर से इसे ऐसे स्लिप कर देंगे, ठीक ना। देखिए 1 2 3 4, 4 जाली वाला फंदा बुन लिए हैं,
और 4 इसमें स्लिप कर दिए हैं, ये लास्ट का जो है 5 फंदा इससे बुन लेते हैं। तो 5 के 5 फंदे हो गए। अब इसी को पैटर्न को रिपीट करना है, ठीक ना। तो देखिए 4 फंदे सीधा, 1 2 3 4। अब देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जाली वाला फंदा पहले बुनेंगे और स्लिप करने के बाद, और इस फंदे को उठा लेंगे, इसके ऊपर से इसे स्लिप कर देंगे, ठीक। जाली वाला फंदा बुनेंगे और ऐसे स्लिप करेंगे, इस फंदे को ऐसे ले लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे, जाली वाला फंदा बुनेंगे और ऐसे स्लिप करेंगे और ये फंदे को ले लेंगे, इसके ऊपर से इस फंदे को स्लिप कर देंगे, जाली वाला फंदा बुनेंगे और देखिए स्लिप करने के बाद केवल फंदे हम उठाएंगे, इसके ऊपर से इसे स्लिप कर देंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये 5 फंदा है, इसे बुन लेते हैं, ठीक। अब ये 4 फंदा सीधा, और ये साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए 8-7 रो कंप्लीट हो गया है। अब 8 रो से देखिए डिजाइन पैटर्न फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर देखिए 5 फंदा उल्टा, फिर इसके बाद 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। इसी तरह पूरी रो को आप कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने 8 रो में ये डिजाइन पैटर्न ऐसे बना लिया है। अब इसी तरह 1 से लेके 8 रो आपको रिपीट करना है। तो देखिए फर्स्ट रो आपको रिपीट करके बता दे रहे हैं, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को इस तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह आप पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 8 रो तक आप रिपीट करते जाएंगे, तो देखिए पूरी डिजाइन इस तरह बनेगी। फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।